हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बुद्धिज़्म के आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम हिस्ट्री के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज हम बुद्धिज़्म की सीरीज़ पढ़ने वाले हैं और इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द इवेंट ऑफ द बुद्धास लाइफ इज़ नोन एज महाभिनिष्क्रमण। तो इसे क्या कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ नोन एज हिज डिपार्चर फ्रॉम द होम। जब वो घर से निकलते हैं, घर से जाते हैं, कब, कितने साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 29 ईयर्स में जब वो घर से जाते हैं तब हम उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, अब देखो, जब उनकी यहाँ पर अलग अलग सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है, उसके बाद जब उनकी डेथ होती है, ये भी आप लोगों को पता है, इसको हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, ये भी आप लोगों को पता है। 80 ईयर्स की एज में इनकी डेथ होती है। अब यहाँ पे छोटी सी मैं जानकारी देना चाहूँगी, हम गौतम बुद्ध जी के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको हम और किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम सिद्धार्थ नाम से भी जानते हैं। इनके जन्म की अगर मैं बात करूँ तो इनका जन्म कब हुआ था, 563 BC में इनका जन्म हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी नामक जगह में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, कपिल वस्तु की लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगर मैं बात करती हूँ इनके फादर की, तो इनके फादर थे शुद्धोधन। ठीक है, और अगर हम इनकी माता की बात करते हैं, इनकी मदर की बात करते हैं, तो उनका नाम था माया देवी। ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन मैंने एडिशनल दे दी, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव, महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड एट। यहाँ पे डायरेक्ट आपको टेम्पल के बारे में पूछा है, तो ये टेम्पल है कुशीनगर में, कुशीनगर यूपी में जो पड़ता है, वहाँ पर महापरिनिर्वाण टेम्पल बनाया गया है। आगे बात कर लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाय द बुद्धा। तो बुद्धा के द्वारा अपना जो लास्ट सरमन दिया गया था वो किसे दिया गया था, तो सुबाध करके जो है उन्हें दिया गया था, तो इनको आपको ध्यान रखना है। द रूलर ऑफ अ सुवर्ण भूमि हु फाउंडेड अ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एट नालंदा एंड रिक्वेस्टेड देवपाल थ्रू हिज एम्बेसडर टू ग्रांट 5 villages फॉर इट्स मेंटेनेंस वॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक रूलर था जिन्होंने, जो कि रूलर कहाँ का था, सुवर्ण भूमि का रूलर था, उसने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के लिए, नालंदा के लिए, देवपाल के जरिए यहाँ पर 5 villages मेंटेनेंस के लिए दिए थे, ये ध्यान रखना है। और नालंदा यूनिवर्सिटी अभी अभी बनाई गई है, तो ये चर्चा में है, तो आपको उसको भी पता होना चाहिए। तो ऑप्शन आपको सी यहाँ पर सही हो जाता है, बाल पुत्र देव करके जो रूलर था, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, वेयर डिड बुद्धा रिसाइड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ। जब उनकी लाइफ के लास्ट रेनी सीजन्स थे तो वो कहाँ रहते थे, यूजुअली रेनी सीजन में ये अपनी जगह बदल लेते थे, तो यूजुअली वैशाली में आकर ये रहा करते थे। आगे हम बात कर लेते हैं, व्हाट डज तिरत्न मीन्स इन बुद्धिज्म। तो जो बुद्ध धम्म और संघ होता है, आपने सुना है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, तो ये तीन चीज़ें हैं, इनको हम त्रिरत्न कहते हैं। और जब ये तीन ज्वेल्स भी इनको कहते हैं, 3 ज्वेल्स के नाम से अगर आ जाएगा तो भी आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं तीनों की जब क्या होता है, डेथ होती है बुद्धा की, डेथ ऑफ बुद्धा के बाद इन तीनों पार्ट्स को इकट्ठे कर दिया जाता है, इनको कलेक्ट किया जाता है, इन तीनों चीज़ों को, और कलेक्ट करके एक में समाहित किया जाता है, उसको हम बोलते हैं त्रिपिटक भी तीन है, एक है हमारा विनय पिटक, ठीक है, एक है हमारा सुत्त पिटक, और एक है हमारा अभिधम्म पिटक। ठीक है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, धर्म चक्र प्रवर्तन वॉज परफॉर्म्ड एट। धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ परफॉर्म किया गया था, तो सारनाथ में इसे परफॉर्म किया गया था। सारनाथ में बेसिकली इनका पहला सरमन हुआ था, फर्स्ट सरमन, इसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, जो इनका बर्थ प्लेस था, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो वो लुम्बिनी में हुआ था, मैंने अभी आप लोगों को बताया है। उसके बाद प्लेस ऑफ एनलाइटनमेंट, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस जगह का नाम है बोध गया, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ डेथ यहाँ जा, या फिर बोल सकते हैं महापरिनिर्वाण जो उन्हें मिला था,
ये कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर। ठीक है, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, इनको आप लोग नोट करके जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव सप्तपर्णी केव इज सिचुएटेड एट, तो ये केव कहाँ पर है, ये केव है राजगृह में। बेसिकली इनके अलग अलग वो हुई थी, समिट्स हुई थी, तो जो इनकी पहली फर्स्ट काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल, वो यहीं पर आयोजित की गई थी राजगृह में, और इसी केव के अंदर आयोजित की गई थी। आगे बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कन्वेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन काश्मीर, तो काश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के द्वारा की गई थी, जो कुषाण कुषाण शासक था। तो कुषाण के शासक कनिष्क के द्वारा कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया था। अगर मैं बात करूँ प्रेसिडेंट कौन था इसका, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, वासु वासु मित्र यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट थे। इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि यहाँ पर डिवाइड हुआ था बुद्धिज्म दो पार्ट में, पहली बार बुद्धिज्म में पार्ट देखने के लिए मिले थे। एक था हमारा हीन यान और एक था महायान, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्रेट प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, निरंजना पर बसा हुआ कौन सा देश है, कौन सी जगह है, तो बोध गया है यहाँ पर, इसे ध्यान रखेंगे। आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्ध द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, अभी मैंने आपको बताया था राजगृह में आयोजित की गई थी, और किसके द्वारा आयोजित की गई थी, तो मगध किंग अजात शत्रु के द्वारा, अजात शत्रु के द्वारा। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव अशोकरम मॉनिस्ट्री वॉज सिचुएटेड एट, तो ये मॉनिस्ट्री कहाँ पर है, तो ये पाटलिपुत्र में है, इसे ध्यान रखेंगे। अशोकरम नाम से ही समझ में आ रहा है कि अशोका के द्वारा इसे बनवाया गया था, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। अंडर द सुपरविजन ऑफ इंद्रगुप्ता, इंद्रगुप्ता, ठीक है, इनके सुपरविजन से इन्होंने बनवाया था, सुपरविजन से। नेक्स्ट वी हैव यमाका बिलोंग टू द बुद्धिस्ट पिटाका किस में आता है, तो ये अभिधम्म पिटाका में आता है। बेसिकली अभिधम्म पिटाका में सात बुक्स हैं जिनके बारे में बताया गया, जिसमें से एक बुक कौन सी हमारी यमाका है, और भी बुक है यहाँ पर, जैसे कि एक है हमारी पथाना करके एक बुक है, एक है विभन्या करके बुक है ना, तो ये अलग अलग बुक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव हु एडवोकेटेड न्यू बुद्धिज्म, तो ये अम्बेडकर जी का कंसेप्ट है। न्यू बुद्धिज्म जो है वो नई फिलोसफी को बताता है, दैट इज री इंटरप्रिटेशन, री इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिज्म, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड द एक्सपेंशन ऑफ अ बुद्धिज्म, तो यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग जो है इन्होंने कोई काम नहीं किया था, कनिष्क अशोक और हर्षवर्धन ने बहुत सारे काम किए थे, इन्होंने डायरेक्ट केवल शुंग डायनेस्टी की स्थापना करी थी, बस इन्होंने इतना ही काम किया था, इसके अलावा इनके द्वारा और कोई काम नहीं किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बुद्धिज्म के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, ये आपके SSC के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।